राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राहु के उपाय। जी हाँ, राहु के अगर आपने जो 10 उपाय मैं आपको देने जा रही हूँ, अगर उसमें से आपने अगर 5 भी कर लिए तो राहु देव आपको ज़िंदगी में कभी तंग नहीं करेंगे। और राहु की जब नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो राहु को ठीक करने के लिए क्या करना है आपने, राहु जो है क्या है, आपके ससुराल का कारक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है, अपने ससुराल से बना कर रखनी है। अब आप कहेंगे कि ससुराल वाले अगर हमसे ना बनाएं तो हम क्या करें, तो ससुराल वाले अगर आपसे नहीं बनाते हैं तो अपने मुंह को आप सिल लीजिए, टेप लगा लीजिए, और जो है उनसे ज़्यादा फालतू बात ना कीजिए, और एक दूरी डिस्टेंस बना लीजिए, और जितना आपसे हो सके अगर आप सक्षम हैं तो उनकी मदद करनी शुरू कर दीजिए। और जो है उनसे रिलेशन जो है जब जब जैसे आपको ठीक लगे तो आपको गिफ्ट और जो है उनको देते रहिए, तो इससे भी आपका राहु जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बहस करने की आदत जो है वो बंद कर देंगे और अपने मुंह पर ताला लगा लेंगे तो राहु आपको बहुत अच्छा फल देगा। दूसरा उपाय, आप जो है अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाइए। चंदन जो होता है, चंदन का तिलक जो होता है वो बहुत ठंडा होता है, और ये जो हमारा आज्ञा चक्र होता है अगर इस पर आप चंदन का तिलक लगाएंगे तो आपका राहु आपको शांत हो जाएगा, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, आपका दिमाग चलने लग जाएगा और आपके जीवन से बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय, अब आपने स्वीपर देखा होगा जो राहु का ही कारक होता है, स्वीपर यानी कि जिसको हम जमादार भी बोलते हैं, तो स्वीपर को आपने क्या करना है, 4 गुलाब जामुन देने हैं जब भी आप मुसीबत में पड़ जाएं। रोज़ नहीं देने हैं आपने, जब भी आप मुसीबत में पड़ जाएं तो 4 गुलाब जामुन आपने जो है वो स्वीपर को देने हैं, और जो है साथ में दक्षिणा ज़रूर देनी है। 20 रुपये का लाल नोट अगर आप उसे देते हैं, साथ में 4 गुलाब जामुन देते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर गुलाब जामुन ना मिले तो 4 लड्डू भी आप उसे दे सकते हैं, जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं, लाल बूंदी वाले, जो बरीक बरीक, जिसको हम मंगलवार को चढ़ाते हैं। चौथा उपाय, राहु को ठीक करने के लिए ना सबसे बढ़िया उपाय पता क्या होता है कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना तो राहु आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और आपको जो है अच्छे फल जो है राहु के मिलने शुरू हो जाएंगे, तो मेडिटेशन आपको करना है। और छठा उपाय क्या है, आपने क्या करना है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में जो है वो गर्मी भी हो जाती है और साथ में जो है कई बार खाना हमारा पचता भी नहीं है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। दोपहर के समय जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद आप सौंफ जरूर खाइए। आप देखेंगे सौंफ जो होती है वो मंगल का कारक होती है, और राहु किससे कंट्रोल होता है, मंगल से, तो आप सौंफ खाएंगे तो आपका राहु जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉयलेट को, जो भी आपका टॉयलेट है, आपके वर्क प्लेस का है, आपके घर का है, घर का कर लीजिए बेशक, वर्क प्लेस में तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो आप अपने घर का टॉयलेट को खुद साफ कीजिए, हार्पिक डालकर खुद साफ कीजिए, और जो है ब्रश से ही साफ करना है, कौन सा हमें हाथ से साफ करना है। तो ये अगर आप उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि राहु आपका थोड़े ही दिनों में जो आपको भ्रमित कर रहा था, आपको डर पैदा कर रहा था, आपके जीवन में अड़चने लेके आ रहा था, वो आपकी अड़चने सारी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ में आपने क्या करना है, किसी स्वीपर को, फिर स्वीपर की बात करें क्योंकि राहु कारक ही स्वीपर होता है, तो यहाँ पर आपको स्वीपर को एक लंबी डंडी वाली आपको जो है वो झाड़ू देनी है। जितना वो झाड़ू को यूज़ करेगा आपके जीवन से आपके नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो जो है निकलने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। गुरुद्वारे में जाकर आपने वहाँ पर किसी भी प्रकार की सेवा करनी है, लंगर की सेवा कर सकते हैं आप, जो है वहाँ पर जूतों चप्पलों की सेवा कर सकते हैं, या वहाँ पर जाकर आप पोछा लगा सकते हैं, फिर देखें आपके जीवन में लाभ ही लाभ कैसे आता है। अगर एक बार ज़िंदगी में लाभ आना शुरू हो गया ना, फिर आप तो रोज़ ही गुरुद्वारे, रोज़ ही मंदिर में आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको ये सेवा जो है ज़रूर करनी है। और जो कुष्ठ रोगी होते हैं, कुष्ठ रोगी आपको पता है ना कौन से होते हैं, कुष्ठ रोगी जिनकी स्किन में प्रॉब्लम होती है, जो कुष्ठ रोगी होते हैं जिसको हम कोढ़ी भी बोलते हैं, कोढ़ी, तो उनको आपने जो है कम मीठे वाली आपको उनको खीर खिलानी है। जब आप ये करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से रास्ते खुलते हैं। तो दर्शकों, ये राहु जो है ना अगर ठीक हो जाए ना तो रंग को राजा और राजा को रंग बना देता है, आपके जीवन में चमत्कार लेकर आ सकता है, आपकी लाइफ को पलट भी सकता है। ये तख्त से जो है इंसान को नीचे उतार देता है और नीचे बैठे हुए इंसान को तख्त पे चढ़ा देता है, राज करवा देता है राहु। तो ये कलयुग का राजा भी है राहु। तो राहु के मैंने आपको बड़े सारे उपाय बता दिए हैं, अगर इसमें से आपने 5 भी कर लिए तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। और दर्शकों क्या सोच रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग रोज़ आपको जो है लाइव पर आकर भी हमसे आपसे बात करते हैं, पूरी कुंडली की विवेचना करते हैं, तो आप रात को रोज़
10:30 हमसे फ्री कुंडली एनालाइजेशन जो है वो करवा सकते हैं। जो लोग भी अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। राधे राधे दर्शकों, जय श्री राधे।